दोस्तों, अगर आप भी शुभमन गिल और चेतेश्वर पुजारा को खतरनाक खिलाड़ी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, शुभमन गिल और चेतेश्वर पुजारा की पारी को देख ऑस्ट्रेलियाई दिग्गजों ने तोड़ी अपनी चुप्पी। जी हाँ दोस्तों, शुभमन गिल और चेतेश्वर पुजारा दोनों ने अपनी शतकीय पारी खेलकर बांग्लादेश की टीम के होश उड़ा दिए। इन दोनों की बल्लेबाजी को देखकर ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज भी हैरान रह गए। ऑस्ट्रेलियाई दिग्गजों ने दोनों की पारी को देख एक बयान जारी किया और अपने बयान में कुछ ऐसी बातें कह दी जिसको सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। तो आखिरकार शुभमन गिल और चेतेश्वर पुजारा की पारी को देख ऑस्ट्रेलियाई दिग्गजों ने क्या बयान जारी किया, जानने के लिए पूरा वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले, आप सभी को क्या लगता है कि चेतेश्वर पुजारा, शुभमन गिल और विराट कोहली में कौन है बेहतरीन टेस्ट प्लेयर? इस बात का जवाब नीचे हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, बांग्लादेश के खिलाफ खेले जा रहे रोमांचक टेस्ट मुकाबले में भारतीय टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 404 रन बनाए, लेकिन इस स्कोर का पीछा करते हुए बांग्लादेश की टीम मात्र 150 रन बना पाई और ऑल आउट हो गई। इसके बाद भारतीय टीम 254 रन की बढ़त के साथ दूसरी पारी में बल्लेबाजी करने के लिए आई, जहां पर भारतीय टीम की तरफ से बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए चेतेश्वर पुजारा और शुभमन गिल ने शतकीय पारी खेली, जिसमें शुभमन गिल ने 110 रन की पारी खेली तो दूसरी तरफ से चेतेश्वर पुजारा ने 102 रन की नाबाद पारी खेली। और इसी के साथ ही 258 रन दो विकेट के नुकसान पर केएल राहुल ने पारी को डिक्लेयर कर दिया और इसके बाद बांग्लादेश की टीम मैदान पर आई और दूसरे दिन के अंत तक 42 रन बना दिए बिना किसी विकेट के गवाए हुए। वहीं शुभमन गिल और चेतेश्वर पुजारा की पारी को देखकर ऑस्ट्रेलिया के दिग्गजों का बयान सामने आया, जिसमें रिकी पॉन्टिंग ने बयान देते हुए कहा कि भारतीय टीम के लिए चेतेश्वर पुजारा और गिल ने सभी को हैरान कर दिया और दिखा दिया कि इन दोनों से बेहतर बल्लेबाज भारतीय टीम को इस समय नहीं मिल पा रहा है। और इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा है कि भारतीय टीम जब तक इन दोनों खिलाड़ियों के साथ टेस्ट खेलेगी तो भारतीय टीम को हरा पाना बेहद मुश्किल है और मुझे लगता है कि ये दोनों भारतीय टीम के लिए अलग ही दिशा में ले जाते हैं मैच को और फाइनल में भारतीय टीम को जरूर जीत मिलेगी। इसके अलावा ब्रेटली ने बयान देते हुए कहा है कि भारतीय टीम के लिए चेतेश्वर पुजारा ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए दिखा दिया कि वो भारतीय टीम की दीवार हैं और जब जब भारतीय टीम कठिनाई में दिखाई देगी तब तब वो राहुल द्रविड़ की तरह चेतेश्वर पुजारा टीम को संभालेंगे। और इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए ये भी कहा कि चेतेश्वर पुजारा भारतीय टीम की एक ऐसी दीवार है जिनको तोड़ पाना बेहद मुश्किल है और हमें उम्मीद है कि भारतीय टीम के लिए चेतेश्वर पुजारा इसी अंदाज से आगे भी बेहतर प्रदर्शन करते हुए मजबूत लक्ष्य बनाने में भारतीय टीम की मदद करेंगे और एक बड़ी पारी खेलेंगे। इतना ही नहीं, एडम गिलक्रिस्ट ने बयान देते हुए कहा कि भारतीय टीम के लिए चेतेश्वर पुजारा ने जिस तरह लंबे समय के बाद कमबैक किया है वो वास्तव में काबिले तारीफ है और मुझे उम्मीद है कि अब इसी तरीके से वो लगातार शतक लगाकर टीम को जीत दिलाएंगे। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा है कि भारतीय टीम के लिए शुभमन गिल ने एक बेहतरीन पारी खेलकर अपना शतक लगा दिया है और एक नए युग की शुरुआत कर दी है और दिखा दिया है कि शुभमन गिल इसी अंदाज से आगे भी बेहतर बल्लेबाजी करते हुए दिखाई देंगे और मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में टेस्ट के नंबर एक बल्लेबाज गिल बनेंगे। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है कि भारतीय टीम की जीत के हीरो कौन रहेंगे? कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी ही खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए।